अब इसमें किन वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ये अब हमने डिसाइड करना है, और हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे, हमने ये पहले ही सिलेक्ट कर लिया हुआ है। एक बड़ी अच्छी बात SPSS पे ये है कि जब वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहे होते हैं तो इनके साथ हमें रटन लगाने के साथ साइन आ रहे होते हैं, जो स्केल होता है उसमें फुटा बना होता है, जो नॉमिनल होता है उसके साथ कुछ ऐसा बना होता है और ऑर्डिनल के साथ बॉल्स बनी होती है। तो हमने नॉमिनल ऑर्डिनल वाले जो कलरफुल होंगे स्केल के अलावा उसको यहाँ पे एक क्लिक किया, एरो प्रेस किया, वो यहाँ चला जाए। पहले उसके पर क्लिक किया, ये क्लिक किया, एक दफा क्लिक अच्छा। करें, फिर एरो प्रेस प्रेस करें, मतलब आपने सिलेक्ट कर लिया ना कौन सा भेजना है, ये क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे शिफ्ट होते जाए। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वो वाले आएंगे जिनका हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये वो होंगे जो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं हमारा क्वालिफिकेटर, इसमें नॉमिनल भी इसमें ऑर्डिनल भी दोनों ही आ जाए। जो हमने क्लिक किया फिर उधर एरो को किया वो उसमें वो ऑटोमेटिकली यहां शिफ्ट हो जाए, और वो एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है या दो करने वो जितने जितने नॉमिनल ऑर्डिनल मांगे होंगे बिल्कुल। इसमें टेबल बनेगा, एज का ये बना होगा, अगर वो नॉमिनल में है मेल फीमेल का ये बना होगा सर, ऐसे अलग अलग बना। अब उनको कॉपी पेस्ट करके अपने शिफ्ट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं, इसको शिफ्ट करने बड़ा आसान होता है, वर्ड की फाइल में भी ला सकते हैं, बहुत आसान। ओके, ये तो हो गया हमारा क्वालिटेटिव का। अगर हमारे पास डाटा क्वांटिटेटिव है या स्केल में है तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम ये नहीं कर सकते, वी कांट मेजर दिस, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हम नहीं निकाल सकते। एचपी के लेवल 50 बंदों के दिए हुए क्या परसेंटेज होती है, कोई पता ही नहीं क्या परसेंटेज, कोई हमें कोई डिफाइन ही नहीं है, कोई कैटेगराइज ही नहीं है। तो क्या करें यहाँ पे, इसमें हम करेंगे दो बातें, या हम इसमें मीन कैलकुलेट करेंगे या मीडियन, या दोनों नहीं हो सकते, एक चीज हो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन प्लस माइनस इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये तो इनके साथ जुड़े हैं, ये इनके साथ समझेंगे, इनकी शादियां हुई हैं कि मीन के साथ एसडी रहेगा, मीडियन के साथ क्यू वाली रहेगी, इनका रूल है। ये किस डाटा पे करेंगे हम, पहले दोनों चीजें सेम है, हमने अगेन एनालाइज में जाना है, डिस्क्रिप्टिव में जाना है, और उसके बाद आगे हमने जाना है एक्सप्लोर पे, नॉर्मल थर्ड होता है 1 2 3 डिस्क्रिप्टिव में 1 2 3 नंबर पे एक्सप्लोर होता है। ये हमें ये नहीं समझ आते थे कि एनालाइज में क्यों हम जा रहे हैं और एक्सप्लोर पे, कभी वो एनालाइज पे चले जाते थे कभी एक्सप्लोर पे, यानी एनालाइज तो दोनों में है, नहीं नहीं एक्सप्लोर और डिस्क्रिप्टिव पे, हां कि एक्सप्लोर पे और फ्रीक्वेंसी पे, डिस्क्रिप्टिव पे ठीक है, पहले दोनों कॉमन है, आगे ये हमने डिफाइन कर लिया हमारे वेरिएबल्स पे, एक्सप्लोर पे जाते हैं हम सीधा। अच्छा मजे की बात ये है कि एक्सप्लोर पे ही दोनों निकल आते हैं, मीन का लेदर से भी है, डिस्क्रिप्टिव में मीन का लेदर से भी है, यूजली जिनको नहीं पता उसकी जब मीन क्लिक करते हैं लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आती, इससे हमें समझ आ जाए, क्योंकि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि मैंने मीन निकालना है या मीडियन निकालना है अपने क्वांटिटेटिव स्केल वेरिएबल। अच्छा जी, हम चले गए एक्सप्लोर पे, ओके, फिर वो ये उस तरह का एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा। एक क्वेश्चन जी प्लीज सर, मीन किसका निकालना है, आ रहा अभी अभी बताता हूं, इसी नॉर्मलिटी इस पे आपको बताता हूं कि वो कैसे हमने कैसे डिसाइड करना है। अगेन वही, यहां पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, क्लिक करें, एरो से ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, इसको सेलेक्ट करें, जो जो स्केल वाले फुटा बना हुआ जिनके साथ वो वाला हमने सेलेक्ट करके उधर ले जाए, चलेंगे। अब इसके ऊपर ना यहाँ पे एक एडिट काम आ गया, यहाँ पे 3-4 ब्लॉक होते हैं, उसमें एक में लिखा होता है स्टैट्स, प्लॉट, डिफरेंट किस्म की चीजें लिखी होती है, उसमें हमने ना उसमें प्लॉट में जाते हैं, प्लॉट में जाके यूजली मुझे ये याद आ रहा है, हो सकता है स्टैट्स में प्लॉट में जाते हैं, प्लॉट में जब जाएंगे ना एक और बॉक्स ओपन करेगा आपका, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके आप प्लॉट में गए, आपने यहाँ पे चले गए, यहाँ पे यूजली जो बाय डिफॉल्ट है ना लिखा होता है स्टेम एंड लीफ, और नीचे लिखा होता है हिस्टोग्राम, नॉर्मली स्टेम एंड लीफ टिक होता है बाय डिफॉल्ट, आपने ये टिक खत्म कर देना, आपने हिस्टोग्राम पे टिक बना देना, एक ये अगला बॉक्स खुलेगा ना, जब आप प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला बॉक्स खुलेगा। अब आपने एक तो हिस्टो दो टिक करने, यहाँ पे एक टिक खत्म करना, दो टिक क्लिक करना, मतलब मैंने ऐसे याद रखा
ये खत्म करती है, हिस्टोग्राम क्लिक किया और एक यहाँ पे सेंटर में बड़ा करके लिखा होता है।